समधन जी, ये आपकी बेटी का घर है, आपका जब मन करे मिलने आ जाया कीजिए, पर ये सब की क्या जरूरत है? अरे ये तो शगुन है ना। अरे वही तो, सही बात है, बेटी को आशीर्वाद है माँ की ममता का, क्यों है? चलो शशि, अभी ने थोड़ा टाइम देते हैं ताकि माँ बेटी इत्मीनान से बातें कर सके, आपस में सुख दुख बांटे। चलो। अरे आप लोग बैठिए ना, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, आप लोग आराम से बैठिए और अपनी बातें कीजिए, हम आराम कर लेते हैं। उर्मी बहू, अपनी मम्मी को बता देना कि सम्राट तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, ठीक है? चलिए ना। कैसी हो तुम? तुम कैसी हो? अच्छे, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मैडम, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी दीदी। बस इस एक चीज में जरा ध्यान नहीं है इसका। प्लीज मम्मी, अब तुम फिर से हमारी शिकायत मत करो, सबके सब ना हमें बस डांटते ही रहते, बड़े हो गए ना अब हम। बहुत बड़ी हो गई हो तुम। हाँ हाँ, और क्या, पता है ना दीदी, इस बार हम वोट भी करने वाले हैं। 18 years completed. Very good. पूछोगी नहीं कौन थी वो? बहन है वो मेरी, बहन है वो मेरी। बहन? मैं बीवी हूँ इनकी, मैं बीवी हूँ इनकी। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ त्रिशा, और मेरा सम्मान है त्रिशा, सम्मान है त्रिशा। हम पागलों की तरह इसको हर जगह ढूंढ रहे थे, पर आपने हमारा मंगलसूत्र चुरा के इसे दे दिया। आप? जी हाँ, मैं। लीजिए, पहुंच लीजिए। आंसू, हाय। कुछ कमी सी महसूस हो रही है आज यहां। नहीं? हाँ, सैड सॉन्ग की कमी है। वाह, क्या दृश्य होता, आप यहां रो रही हैं, बैकग्राउंड में सैड सॉन्ग बज रहा है, क्या बात है, हाउ इमोशनल। वैसे मैडम, किस बात का शोक मना रही हैं आप यहां? जहां तक मुझे जानकारी है, मेरा तो कोई नहीं। आपके निकट दूर में कोई? अच्छा अच्छा, समझ गया, ये हताशा के आंसू हैं, आई मीन फेलियर। क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्या है मुझे बताइए जरा, यहां अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं आप, और ऐसा काम करती क्यों है जहां पे आपको हमेशा रोना ही पड़े?
अब मेरे और उर्मी के रिश्ते को ध्वस्त करने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जी जान लगा दिया आपने, पूरी कोशिश कर ली कि शादी ना हो, लेकिन शादी हो गई। वी आर हैप्पीली मैरिड। आप फेल हुए। उसके बाद उर्मी जब मुझसे जरा सा रूट कर शिवाजी नगर क्या चली गई, आप वहां भी पहुंच गए उसको सिखाने पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर की तरह, ताकि वो वापस ना आए, लेकिन आप फिर हार गई। उर्मी वापस आ गई जहाज के पंछी की तरह, उसी जहाज पर वापस। अब आपने इतना एक्सपीरियंस जो गेन कर लिया है फेल हो होकर, क्या सीखाया आपने? सीखा है आपने कि दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तो बेहया की हद ही होगी ना भाई। सौ सौ जूते खा के तमाशा खुश के देखेंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा मैडम जी। यहां आप सौ सौ जूते भी खाएंगी और खुद तमाशा भी बनेंगी। सही कह रहे हैं हम? बंद कीजिए अपना एक ज्ञान का व्यापार, ये तो ऐसी रोती रहेंगी जिंदगी भर। अभी उर्मी को लाख मना करने के बावजूद उर्मी वापस आ गई, इसी का दुख मना रही है ना आप? मनाइए मनाइए, दुख मनाइए, अच्छा होता है, गुड फॉर द सिस्टम। लेकिन इस बात से एक सबक सीख लीजिए कि सम्राट सिंह राठौड़ को चुनौती मत दिया कीजिए, क्योंकि जहां सम्राट होता है वहां सिर्फ और सिर्फ उसके मन की होती है। बहुत बोल रही थी आप, भगवान ये कर रहा है, भगवान वो कर रहा है, अभी क्या कर रहा है आपका भगवान? एक बात जान लीजिए और मान लीजिए मैडम कि भगवान भी हमेशा सही का साथ देता है, और मैं सही हूं। अब लड़ लीजिए इस बात पे भी भगवान से। अच्छा है भगवान के घर बैठी हैं, आप सुन लेंगे आपकी जल्दी। रुमाल छोड़ के जा रहा हूं, काम आएगा फ्यूचर में। कॉटन का है, ज्यादा सोखेगा आज। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड बाबा, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, क्या कमाल लग रही है। अरे बाल बाल, ये बाल, हाँ ये हाँ बाल, हाँ स्माइल, फिर हाथ रखे यहाँ, हाँ यहाँ, मैं बताता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ 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 यहाँ, हाँ परफेक्ट, ब्यूटीफुल बाबू, ब्यूटीफुल। अब एक आइडिया आया मुझे। क्या? आप यहाँ बैठिए, यहाँ पे ऐसे, भाभी ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप एक प्यासी नदी हो। करें, आइए बैठिए, 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 पैर वैसे, भाभी ये थोड़ा, ये थोड़ा, हाँ थोड़ा, हाँ, और ये भाभी हाथ, ये यहाँ, ये बनाना कुछ।
अन्नू तुम्हारी परीक्षा है ना, फिर यहाँ काहे बैठी हो, जाओ पढ़ाई करो। जे मोड़ी से पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लो। बिल्कुल सही कहा। तुम तो टीवी का तमाशा देखो, और बाहर जो तमाशा चल रहा है सारा मोहल्ला देख रहा है। हमने भी देखा, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो तो आप लोगों की सर चढ़ाई बहू है ना, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते भैया। हाँ अम्मा, मना किए थे उसको। काक मना किया था? कैसी सास हो तुम, तुम्हारे चुप रहने का नतीजा है जे सब। अम्मा कहते तो हैं हम उसको, अब ज्यादा बोले तो चिल्लाने लगती है वो। और जे सब तो गौरव को कहना चाहिए ना उसको, हम कहा कर सकते हैं। खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ है जे सब, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बोलोगी तो हम बोलेंगे। नहीं नहीं अम्मा, आप रहने दीजिए, जैसे ही गौरव आता है हम कहते हैं उससे। क्या तेजाबी ब्यूटी है भाभी आपकी, माइंड ब्लोइंग। नाउ इट्स टाइम फॉर सम हॉट पिक्चर्स। मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। बाल तो ठीक है, क्या नया पोज। ये थोड़ा सा जी क्या कर रहे हैं? दुनिया मरती है ऐसी फिकर पर। और आपके पास तो है, थोड़ा दिखाइए ना फिर। और ये भैनजी वाले फोटो से ना फोलियो नहीं बनते हैं, समझ रहे हैं आप? अंग अंग खिल के आना चाहिए, तभी फोटो सिलेक्ट होते हैं। चलिए कोई अच्छा सा पोज दीजिए भाभी। चलिए चलिए, हाँ ब्यूटीफुल फॉर ब्यूटीफुल बाप। क्या बात है भाई, खुशबू तो बड़ी शानदार आ रही है। ऐसा क्या खास है आज के मेन्यू में जो अपनी खुशबू से अपनी हाजिरी पुख्ता कर रहा है? अरे पहले खाओ तो सही, फिर देखना खुशबू की खुशी कैसे गायब होती है। कमाल है भाई, इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बन गया हमारे घर में? ये तो मिरेकल हो गया। किसने बनाया? और ये सब्जी किसने बनाई है? बहुत बढ़िया देवर जी, जी और मैंने बनाई है। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है भाई, स्वाद तो बड़ा जायकेदार है, कमाल का हुनर है आपके हाथों में, जानती हैं? मेरे होटल के कुक को इनसे सीखना चाहिए कुछ, भेजता हूँ उसे ट्रेनिंग के लिए आपके पास। बहुत बढ़िया, जे सही है बेटा, बचपन से जे ही सब्जी हम तुम्हारे लाने बनाते थे, तब तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी, अब बहू के हाथ की इतनी अच्छी लगी है कि होटल के कुक को भी बनाना सिखाना चाहते हो। भाभी वाह, सही है, चलो इस बहाने ने जो सब्जी पसंद तो आई। क्या मतलब है आपका, क्या बोले जा रही है? मतलब जे देवर जी, जे सूरन की सब्जी है। उर्मी ने सच कहा था कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सूरन है? हाँ। नहीं नहीं, ये सूरन कहाँ है? ये सूरन, मैं तो नहीं खाता ना सूरन।
क्या? हमने बहू से जो बात कही थी पर उसने बनाई और तुम्हें पसंद भी आ गई। अब खाओ। क्या मतलब है यार? आपने क्या जान मुझके बनाई है सब्जी? जब आपको बोला उन्होंने और आपको पता है, आप जानती हैं कि मुझे पसंद नहीं है सब्जी, क्यों बनाई आपने फिर? क्या जतलाना क्या चाहती हैं आप? क्या मुझसे वो हर काम कराएंगे जो मैं नहीं करता हूं? बताइए, अपने हिसाब से बदलना चाहती है मुझे? सम्राट जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो फिर क्या बात है? लेकिन बेटा, ये सब्जी तुम्हें अच्छी तो लगी ना? अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पापा। और ये क्या बात हुई भाई, कल को उठ के गधे का मांस बना देंगे, कहेंगे खाओ, खा लूंगा मैं। कमाल है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ? तो और क्या कहूं मैं आपसे? कसीदे पढूं आपकी तारीफ में या आरती उतारूं आपकी? क्या करूं बताइए। हाय बोल।